아빠가 보세요. 애양호 비보기. हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अर्पिता आप सबका क्यूट बेबी एंड फैमिली ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। हम लोग नहा धो के पूजा पाठ कर लिए हैं और हाथी खेदा जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कल आप लोगों को बोला था कि मैं अपने परिवार के साथ जा रही हूँ और बहुत सारे लोग परिवार ही नहीं बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं परिवार से रिलेटेड, तो उन लोगों के साथ अभी हम लोग जाने वाले हैं। बाकी लोग बाहर में हैं, तो अभी मैं यहाँ पर पूजा स्थान को थोड़ा प्रणाम करके जाने वाली थी, तो मैंने सोचा कि आप लोग को थोड़ा बता दूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग बाहर निकलने वाले हैं, तो अभी लाइट वाइट वगैरह बंद करूँगी, उसके बाद मैं बाहर निकलूँगी। तो दोस्तों ये है हमारी छोटी सी फैमिली, अभी यहाँ पे सभी जुट गए हैं जाने के लिए। पापा, प्राची और ये जो कामेश है ना, ये अभी मेरा बेटा है, ये भी पूरा एक्साइटमेंट है जाने के लिए। देखिए कितनी ज़्यादा बहुत सारे हैं, इसका भाई बहन अभी आप लोग से अभी मिलाना बाकी है। कामेश कुछ बोलना चाहता है, ये मेरे ब्लॉग में फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों, तो बेटा कुछ बोलिए आप। दोस्तों बोले बोले कुछ कुछ नहीं, आप बोलिए, बोलते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि अभी क्या कहाँ जाने वाले हैं, और हम जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या होने वाला मेरे साथ, तो वो सोच रहा हूँ। ओके 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 बाय, ओके बाय, फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग बोल दो, तो प्राची गुड मॉर्निंग बोलिए। तो गुड मॉर्निंग प्राची, बहुत अच्छा बोलती है प्राची का गुड मॉर्निंग आप लोग सुन ही चुके हैं, बहुत अच्छा बोलती है। दोस्तों तो हम लोग निकल चुके हैं हाथी खेदा के लिए। देखिए हमारा बस है, फसल मैदान में खड़े हैं। ठीक, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बस खड़ी है। दोस्तों बस बस के सामने आ गए हम लोग, आ गए हैं और देखिए हम लोग जाने के लिए हम लोग अभी तैयार है, पूरा एक्साइटेड है। अभी अभी थोड़ी देर भर्ती हो जाएगी बस, तब चलेंगे हम लोग। देख सकते हैं इधर, देखिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बस में अभी सब बैठ चुके हैं, प्राची भी बैठी है यहाँ पे। आप तो उल्टी नहीं करते, आप भी नहीं करते हैं। ठीक, ओके, नहीं चले चले। दोस्तों हम लोग अभी बस से निकल चुके हैं, आगे बढ़ रहा गाइस। और डोंट वरी, ये बच्चा मेरे साथ शुरू से लास्ट तक दिखाई देने वाला है। आप लोग इसका रूप में आप लोग स्वागत है। और इधर प्राची जो है मेरे पीछे देख, वो देखिए प्राची की माँ, प्राची वहाँ रहती है। बहुत सारे लोग बस भीड़ हो चुकी है और बस में बहुत भीड़ हो रहा है। देखिए हिल रहे की टकमगा जा रहे हैं हम लोग, अगबकी लग रहा है, अगबकाने का जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। हमें पिकनिक मनाने जा रहे नया साल का, आप प्राची पूरा एक्साइटमेंट में है, वो देखिए अपनी भाभी के साथ है। और देखिए दोस्तों दलमा पहाड़ पार हो रहा है, वहां से दलमा पहाड़। दोस्तों ये है मेरे पास फोन नहीं था ना, फोन तो ये मारा क्या मारा है लोग डिंडा नदी। दोस्तों ये डिंडा नदी ऊंचा पिकनिक होता है। I got that.
विवेक विवेक अभिवेक नहीं लग रहा था इसलिए मैं बस से थोड़ा उतर गई हूँ। अकबकी सा लग रहा था, अकबकी लग रहा। देखिए मेरे बहू और मेरे बेटा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग जगह पे आ चुके हैं अभी। यहाँ के घर बहुत सारे जगह भी नहीं है। हाँ अभी जगह भी नहीं है। निकलते समय फिर आ रखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं अपनी जगह लेने पड़ता है। पहले तो जगह लेके रखा हुआ है, पहले से इस जगह पे हम लोग यहाँ आए हुए। दोस्तों मैं यहाँ पे आ गई हूँ इस मंदिर पे। देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं निकालेंगे। मेरी फैमिली अभी पीछे रह गई है, यहाँ पे आई हूँ। मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्टिव है, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं। कैसा संजोग है पता नहीं, यहाँ पे मैं हर 8 साल पे आती हूँ। मैं मेरा यहाँ पे 3रा बार है, 3rd बार मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। फर्स्ट टाइम आई थी 2008 में, उसके बाद 16 अब ये 23, यानी कि 7.5 साल हो गए। कहने चाहिए कि ये 8 साल के अंतराल पर ही है। तो ये संजोग ही है, मैं शादी के बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। तो देखिए दोस्तों अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ, मंदिर लग चुकी है अभी, ये लगी भी है, काफ़ी सारे लोग आए। इतफाक की बात ये है कि यहाँ पे संजोग से मंदिर पूजा की जाती है और यहाँ पे पैर वगैरह धोने के बाद मंदिर की एंट्री मिलती है। आप लोग यहाँ पे जरूर आइएगा, यहाँ पे मन्नत पूरी हो जाती है जल्दी। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी देर लगी हुई है, सारे लोग यार संडे का दिन है, 40 का भी लेते हैं। 40 का दीजिए, 60 का दीजिए, 40। दोस्तों अभी हम प्रसाद ले चुके हैं, यहाँ पे मन्नत और पूजा वाले प्रसाद अलग अलग रहता है। और यहाँ पे देखिए पेड़ भी बहुत साथ बांधे हुए हैं, मन्नत वाला प्रसाद है और लाइन से लग के जाना होता है, थोड़ा सा लंबी लाइन लगी हुई है, लंबी काफी लगी हुई है। लाइने में है प्राची, देखो प्राची भी लाइन लगी है। प्राची दे दे रखी है, देखो हेलो बोलिए, हेलो बोलिए, हेलो बोलिए, हेलो नहीं बोले, बिना लाइन का भाग लाइन चलो। काफी साल पहले आए थे यहाँ पे, बना नहीं था ऐसे, ये वाला बना नहीं था वाला। जब भी आई हूँ यहाँ पे, संडे ही पड़ता है तो संडे का दिन है, बहुत भीड़ है, लोगों की भीड़ लगी हुई है, लगातार लोग आए जा रहे हैं और पूरे जोश के साथ यहाँ पे पूजा की जाती है। यहाँ पे मन्नत बहुत जल्द पूरी हो जाती है, इसलिए लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। ये जमशेदपुर से अप्रोक्स 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे जरूर आप लोग आइए अगर कोशिश कीजिएगा तो। नहीं, 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 नहीं,
रशी इधर आओ मेरे पास पकड़ो। देखिए अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, आगे आगे चल रहे थे, रांची भी पीछे से है। पूजा पाठ करके हम लोग आ गए हैं वापस। बहुत भीड़ लगे हुई थी, पूजा बहुत जल्दी खत्म हो गई, मैंने तुरंत आ गए। देखिए हम यहाँ पे सब आ रहे हैं रिटर्न। तो दोस्तों हम लोग की पूजा कंप्लीट हो चुकी है, अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता ब्रेकफास्ट करने के लिए। अच्छा लग रहा है, लगेगा आराम से चलिए, आराम चलिए, आराम से चलिए। तो यहाँ पे जितना टाइम पूजा करने में नहीं लगता उतना तो लाइन लगाने में लग गया था, पूरे जलेबी के जैसे घूम गए। खैर पूजा कंप्लीट हो गई है, अब हम लोग जा रहे हैं होटल सीधे खाने टूट पड़ने के लिए। और प्राची भी पहले यहाँ पे जब मैं आई थी तो इस तरह से नहीं था, बहुत ही अलग था। तो अब तो 8 साल बाद की बात है, काफी सारे चेंजेस आ गए हैं। अभी देखिए मैं अपने हस्बैंड का मुंडी काट दिया हूँ, मुंडी भी काट दिया हूँ यहाँ। मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, मेरे लिए लक की बात है। और देखिए अभी भी लोग आ ही रहे हैं, भीड़ घटने का नाम नहीं ले रहे, लोग आते चले जा रहे हैं। संडे का दिन भी और ये भीड़ भी साथ में जा रहे हैं। तो पूरा परिवार आ रहे हैं यहाँ पे, जिनका मन्नत हो जाता है वो इस तरह से आते हैं दंडवत प्रणाम करते हुए। देखिए आप लोग देख सकते हैं दंडवत प्रणाम कर रहे हैं ये वाले, इनका मन्नत रखा जाता है। बहुत ही अच्छी जगह दोस्तों, मन्नत करने से पूरी होती है, मन्नत बहुत जल्द पूरी हो जाती है, जरूर आइए, विजिट जरूर कीजिए। यहाँ बच्चों को खेलने के लिए भी बहुत सारे खिलौने लगे हुए हैं, भूत है, प्रेत है, यहाँ पे गणपति बापा जी है, और ये खिलौने घंटी भी है साथ में। यहाँ पे अगर किसी को लेना नहीं आ सकते, घंटी वगैरह लगे हुए सेलिंग होती है, ये वाले सेलिंग चलती है, छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे लोग आते रहते हैं। और शंख वगैरह काफी सारे अच्छे कलेक्शन है यहाँ पे, काफी अच्छी कलेक्शन। अभी कुछ कलेक्शन लेने जा रही पर वो नहीं ले पाई, और देखिए प्राची पापा का हाथ पकड़ के चले। अभी हम बाहर आ चुके हैं मेन गेट से, ये मेन गेट के बाहर अभी हम लोग आ गए हैं कुछ नाश्ता वास्ता कर लेने के लिए। और ये मुझे मेरा फेवरेट आ गया, देखो देखो देखो। देखिए दोस्तों यहाँ पे सब्जी की मार्केट लगी हुई है, बहुत सारी चीज लगे हुए हैं, बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाते हैं। वो यहाँ पे डायरेक्ट सब्जी मार्केट ही है, सब्जी का मार्केट सब तरफ लगा है। ये पटमदा एरिया में सब्जी की खेती बहुत ही हमारे बहुत ही जोर शोर से होती है, तो आप लोग यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए भी आ सकते हैं। कैसे 20 रुपये खीरा बोला, कल कसम से बोला 10 रुपये खीरा खाते थे। हाँ कराची के लिए तोता लेने आए हैं, देखिए यहाँ पे, और ये मोरपंखी यहाँ पे देखिए फूल गोभी का स्टॉल है। वीडियो ले रहे अच्छा
प्राची ए घोड़ा आती घोड़ा खेल रही है प्राची दोस्तों यहाँ पे अभी सब लंच की तैयारी कर रहे हैं सब लेडीज यहाँ पे बैठी और किसी के साथ नहीं खाते तो चिकन वगैरह खाने के बाद बस मैं संडे पर नहीं खाती हूँ तो मैंने दूसरा ऑप्शन अपना लिया है पनीर वगैरह खाऊंगी पाँच 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 हवा चल रही है ठंडा लग रहा है ठंडा लग रहा है ये देखो ये पनीर और मटर की सब्जी चावल बहुत हवा चल रहा है। तो अभी हम लोग खाना हमने खाने के बाद रिटर्न जा रहे हैं अभी बाहर जाना आए थे देखो क्या बिचार है भूत में जोकर है जोकर जोकर सारा कुछ घर से कुछ नहीं बोला है अभी घर जा रहे हैं जगह हम लोग फाइनली घर पहुंच चुके हैं देखिए शाम हो चुकी है अब प्राची भी थक गई है देखिए और ये भी थक गए हैं अब ये भूत बन और अब ये भूत बन जाएगी भूता भूतू भूतू कौन कौन डर रहा है इसे बाप रे बाप ओ हमको भी डर लग रहा है